प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर आना सागर की झील अब मौत की झील बन चुकी है। पिछले 3 सालों का अगर आंकड़ा देखे तो यहां पर 63 लोगों की मौत केवल डूबने से हुई है। नगर निगम प्रशासन एवं जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वह केवल तारबंदी और सीसीटीवी फुटेज तक नहीं लगा रहा। लोगों का कहना है कि सावधानी के लिए मात्र एक चेतावनी बोर्ड लगा है, जिसे भी जायरीन अनदेखा कर देते हैं। कल हैदराबाद का अमीन भी गहरे पानी में समा गया। 18 वर्षीय हैदराबाद का आमिर नहाने के लिए अनासागर में उतरा था, परंतु फिर बाहर नहीं निकला। 22 फीट नीचे चट्टान के बीच फंसने से आमिर मौत हो गई। आमिर अपने परिवार के 15 सदस्यों के साथ अजमेर घूमने आया था। बात यह है कि अनासागर जैसी प्राकृतिक झील को निहारने के लिए पुरातत्व विभाग 25 रुपए प्रति मेंबर की वसूल रहा है। इसके बावजूद यहां पर जायरीनों की सुरक्षा के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जाता। होने आए थे कपड़े धोते धोते बच्चा स्लिप हो गया, दोनों स्लिप हुए ये बच गया, वो डूब गया। आप कहां से आए? हैदराबाद से। यहाँ घूमना है? नहीं, घूमने नगरवा की ज्यारत के लिए आए थे। कितने लोग आए थे? हम लोग 8-10 जने आए। क्या घटना हुई, किस दौरान क्या घटना हुई? कोई घटना नहीं हुई, खाली डूब रहा था तो हाथ पकड़े स्लिप, बच्चा हाथ पकड़े तक, ये बच्चा भी डूब रहा था, ये हाथ छोड़े तक वो बच्चा अंदर चले। किसी ने बताया था कि आपको यहाँ कपड़े धोने के लिए जगह है? नहीं, किसी ने उन्हें बताया, हमारे को शुद्ध धो रहे थे, हमने देखे तो यहाँ बस। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम आप देख लेंगे। हाँ सर, वहीं से क्या सोचना है? चौकी बैठे थे, चौकी में जरिए टेलीफोन निकला, मिलेगी एक अनासागर में कोई लड़का डूब गया। मैं और हबीब हेड कॉन्स्टेबल तुरंत वहाँ से चौकी से भाग के आए और यहाँ गोताखोरों को तलाश कराया, तो एक लड़का नहाने के लिए उतरा था, उसके पैर पकड़ने से अंदर चला गया। उसका नाम आरिक मोहम्मद आमिर, सुनो मोहम्मद गोश कहाँ है, ये 18 साल का है और हैदराबाद का रहने वाला है। इसके परिजनों शायद दरगाह जियारत आए थे, अब वो गोटी मिली नहीं है, SDRF की टीम आ रही है, तलाश करवा रहे हैं गोटी।